जल जीवन मिशन में जो जम्मू कश्मीर सरकार से तवक्का और उम्मीद केंद्र सरकार को थी, उस तवक्का और उम्मीद पर जम्मू कश्मीर सरकार खरी नहीं उतरी। जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर में फेल हुआ। जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर में उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाया जिस तरीके से बाकी देश भर में कामयाब हुआ। ये सारी बातें केंद्र सरकार तक पहुंचाई गई एक चिट्ठी के जरिए, जो चिट्ठी पीएचई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक कुमार परमार ने लिखी, जिसकी एक कॉपी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को भेजी, होम सेक्रेटरी को भी एक कॉपी भेजी, और उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर सेक्रेटरी को भी उन्होंने इस चिट्ठी की एक कॉपी भेजी। उस चिट्ठी की कॉपी में उन्होंने ये बताया, उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, जो जानकार सूत्र बताते हैं कि उन्होंने जल जीवन मिशन को लेकर साफ किया कि ना प्लान इंप्लीमेंटेशन हुई, ना ही डीपीआर वक्त पर बने, ना टेक्निकल सैंक्शन दी गई, ना वक्त पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुए। इन तमाम कारणों की वजह से जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन जो है वो नाकाम हुआ। ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है। इस चिट्ठी का संज्ञान केंद्र सरकार ने लिया, और केंद्र सरकार ने ये पहली बार नहीं, इससे इस चिट्ठी का संज्ञान केंद्र सरकार ने लिया और पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की सरकार को जल जीवन मिशन के लिए फटकार लगाई। बार बार जम्मू कश्मीर की सरकार को कहा गया कि जल जीवन मिशन को जम्मू कश्मीर में कामयाब बनाइए, आप नाकाम क्यों हो रहे हैं, जल जीवन मिशन में जो प्रोग्रेस मिलना चाहिए वो प्रोग्रेस क्यों नहीं मिल रहा। और सबसे खास बात यह कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री का दफ्तर दोनों लगातार जम्मू कश्मीर में जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उनका संज्ञान जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जरिए लेते हैं, वहीं पर जब भी केंद्र के किसी भी सचिव को या केंद्र से कोई भी मंत्री आता है, वो भी जब रिव्यू लेता है, रिव्यू लेने के बाद जानकार सूत्रों के मुताबिक वो रिपोर्ट्स फौरन केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ और प्रधानमंत्री के दफ्तर के साथ शेयर की जाती हैं। वो रिपोर्ट्स इसलिए शेयर की जाती हैं क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री डायरेक्टली जम्मू कश्मीर को ओवरसी कर रहे हैं इस समय, और जहां तक प्रधानमंत्री का ताल्लुक है वो भी जम्मू कश्मीर को लेकर जानकारी लेते रहते हैं। अब चूंकि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उस बड़े प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार को उम्मीद और तवक्का जम्मू कश्मीर की सरकार से यह थी कि जल जीवन मिशन को जम्मू कश्मीर की सरकार कामयाब बनाएगी, लेकिन बार बार नाकामी, बार बार टारगेट्स को फुलफिल ना कर पाना, इस चीज का संज्ञान टॉप लेवल पर लिया गया। नतीजा यह निकला है आज कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने पीएचई के चीफ इंजीनियर जम्मू मनीष भट्ट को सस्पेंड कर दिया, और सिर्फ सस्पेंड ही नहीं किया बल्कि फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू एफसीआर शालीन काबरा को इंक्वायरी करने के लिए कहा है कि आप मालूम करें आखिरकार किन कारणों की वजह से, आप मालूम करें जल जीवन मिशन नाकाम क्यों हुआ, और यह देखें कि इसमें चीफ इंजीनियर जम्मू जो है वो नाकाम कहां कहां पर हुए। अब जाहिर सी बात है एफसीआर रेवेन्यू इसमें इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करके पड़ताल करेंगे कि आखिरकार क्या वजह हुई, क्यों जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर में फेल हुआ। अन्य कुछ और चीजें भी हैं जिन चीजों को लेकर शालीन काबरा इंक्वायरी करेंगे, लेकिन जब आप पीएचई विभाग के कर्मचारियों से बात करते हैं या सूत्रों से बात करते हैं तो वो आपको दो बातें बड़ी अहम बताते हैं। पहली बात तो ये कि जल जीवन मिशन की गाज किसी पे गिरनी थी, वो गाज गिरी चीफ इंजीनियर पीएचई जम्मू मनीष भट्ट के ऊपर। सूत्र ये बताते हैं कि इंपेकेबल इंटेग्रिटी के मालिक मनीष भट्ट दो साल से ज्यादा का वक्त उनको पीएचई विभाग में काम करते हुए हुआ है। इस दो साल के कार्यकाल में मनीष भट्ट को लेकर या उनके कामकाज को लेकर कोई बड़ा सवाल ना तो सरकार ने खड़ा किया, ना ही किसी और लेवल पर इस तरह का कोई सवाल खड़ा हुआ। लेकिन जो ही नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक परमार ने ज्वाइन किया, उन्होंने जल जीवन मिशन का रिव्यू लिया और वो दुखी हुए, परेशान हुए इस बात से कि जिस विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है उस विभाग में जल जीवन मिशन, जो केंद्र सरकार का एक बड़ा प्राइम प्रोजेक्ट है, वो मिशन आखिरकार जम्मू कश्मीर में फेल क्यों हो रहा है, वो मिशन जम्मू संभाग में कामयाब क्यों नहीं हो रहा, जम्मू संभाग में हम टारगेट्स को मीट क्यों नहीं कर रहे। जब उन्होंने मालूम करने की कोशिश की तो उन्हें अपने विभाग से यह पता चला कि जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन और टेंडर्स फ्लोट करने का ताल्लुक है उसमें बहुत ज्यादा डिले है। लेकिन बिना डिटेल में गए उन्होंने जब एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में उन्होंने जिक्र किया तमाम चीजों का जिक्र करने के बाद आज सरकार ने पीएचई के चीफ इंजीनियर मनीष भट्ट को सस्पेंड किया है। वहीं पर दूसरी तरफ कोई सवाल अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नरों से नहीं पूछा जा रहा।
नहीं पूछा जा रहा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नरों से कि आप जो डिस्ट्रिक्ट जल जीवन मिशन है उसके चेयरमैन तो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, तो आप लोग कितनी बार रिव्यू लेते थे इसका, आप लोग कितनी बार मालूम करते थे कि स्थिति क्या है, आप लोगों ने जल जीवन मिशन को कितना सीरियसली लिया और ग्राउंड पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या आपने किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की। उसके बाद स्टेट लेवल जल जीवन मिशन ने कितनी बार इसको रिव्यू किया और रिव्यू करते कितनी बार उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की डिप्टी कमिश्नरों की, उसको लेकर कोई जानकारी अभी तक मेरे पास नहीं है, लेकिन जब जानकारी आएगी तो आपके साथ जरूर साझा करूंगा। लेकिन उनसे कोई सवाल जवाब नहीं, सवाल जवाब केवल मात्र चीफ इंजीनियर पीएचई जम्मू मनीष भट्ट से, उन्हीं से सवाल जवाब कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में देर क्यों हुई, टेक्निकल सैंक्शन वक्त पर क्यों नहीं दी गई, टेंडरिंग टाइम पर क्यों नहीं हुई, आपने इतना ज्यादा वक्त इन तमाम चीजों में जाया क्यों किया। नतीजा ये निकला कि जल जीवन मिशन जम्मू में सफल नहीं हो सका। एक वो मिशन जिस मिशन में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नरों का रोल है, एक वो मिशन जिस मिशन में डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, एक वो मिशन जिस मिशन में पंचायत लेवल पर और अर्बन बॉडीज और अर्बन बॉडीज के लेवल पर बहुत सारे लोगों का रोल बनता है, वहां पर केवल मात्र एक आदमी को चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई करना, बहुत सारे सरकारी बाबू ये भी कहते हैं कि चिन्हित करके एक आदमी के खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब ये हो गया कि आप तमाम जितनी भी जल जीवन मिशन का फेलियर हुआ है उस फेलियर के लिए केवल मात्र आप एक ही आदमी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उसके बाद दूसरी एक और अहम बात पता चली, वो पता ये चला कि पिछले दिनों जो पीएचई का महकमा जिन एडवाइजर साहब के पास है, उन्होंने इस मामले में उन्होंने एक मीटिंग ली और मीटिंग में उन्होंने जबरदस्त तरीके से लताड़ा तमाम ऑफिसर्स को, लेकिन खास तौर पर उन्होंने चीफ इंजीनियर मनीष भट्ट को पॉइंट आउट करके ये कहा कि आप चीफ इंजीनियर हैं तो आपके ऊपर ये इल्जाम क्यों लग रहे हैं कि टेक्निकल सैंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेंडरिंग में जो है वक्त लग रहा है, देर हो रही है। उसके बाद वहीं पर पीएचई सेक्रेटरी अशोक कुमार परमार ने भी बीच में इंटरप्ट किया और उन्होंने भी ये कहा कि आप विभाग के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, ये जिम्मेदारी चीफ इंजीनियर के तौर पर आपकी है, आपको ये इंश्योर करना है कि टेंडरिंग वक्त पर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वक्त पर मिले, टेक्निकल सैंक्शन वक्त पर मिले। ये तमाम बातें हुई और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि केंद्रीय गृह सचिव तक एक चिट्ठी पहुंची, ड्रिंकिंग मिनिस्ट्री तक चिट्ठी पहुंची और ड्रिंकिंग मिनिस्ट्री तक चिट्ठी पहुंची, अन्य कई और जगहों पर यह चिट्ठी पहुंची और इस चिट्ठी के पहुंचने के बाद अब यह कहा जा रहा है कि इस मामले जल जीवन मिशन में फेलियर के लिए अलग अलग लेवल्स पर बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन मनीष भट्ट को इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया है। अब देखना यह है, चूंकि इसमें FCRM फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू शालीन काबरा ने इंक्वायरी करनी है, वो इन डेप्थ इंक्वायरी करेंगे, तफसीलात में जाएंगे, डिटेल्स मालूम करेंगे और उसके बाद पता करेंगे कि आखिरकार जल जीवन मिशन के लिए क्या केवल मात्र चीफ इंजीनियर पीएचई जम्मू रिस्पॉन्सिबल है या कई और लेवल्स पर गड़बड़ थी, कई और लेवल्स पर दिक्कत थी, परेशानी थी, जिसके कारण जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर में कामयाब नहीं हुआ। लेयर्स बहुत सारी हैं, शोर बहुत है, हंगामा इस चीज को लेकर बहुत है। चीफ इंजीनियर पीएचई जम्मू को सस्पेंड करके उनके खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर करना, ये यूं समझ लीजिए ये एक हिस्सा है इस मामले का, लेकिन बाकी तमाम हिस्सों से भी पड़ताल होगी कि नहीं होगी। और चीफ इंजीनियर पीएचई जम्मू को सस्पेंड करके उनकी जगह किसी और चीफ इंजीनियर को लाकर क्या जल जीवन मिशन रातों रात कामयाब होगा, ये भी सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो, टेक्निकल सैंक्शन हो, टेंडरिंग का प्रोसेस हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, डिविजनल लेवल पर इस पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर करने की बात हो, बहुत सारी लेयर्स हैं, सभी लेयर्स ने अगर मिलकर काम किया होता तो शायद जल जीवन मिशन जो है कामयाब होता। लेकिन अब फिलहाल जैसे मैंने आपको कहा, पीएचई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक कुमार परवार ने चिट्ठी लिख दी है और तीन महीने, मुझे लगता है 2 से 3 महीने उनको हुए होंगे अभी डिपार्टमेंट विभाग में आए हुए, लेकिन विभाग में आते ही उन्हें जल जीवन मिशन को चिन्हित किया और देखा कि ये मिशन जो है कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो फौरन उन्होंने इस मामले में एक इंक्वायरी ऑर्डर की है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस इंक्वायरी के बाद निकलता है। लेकिन फिलहाल खबर यही कि जम्मू के पीएचई के चीफ इंजीनियर मनीष भट्ट को सस्पेंड किया गया है और उनके खिलाफ फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू शालीन काबरा को इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया है और मालूम यह करना है कि जल जीवन मिशन आखिरकार जम्मू में सफल क्यों नहीं हुआ।